Hello friends, this is Kartik Bhardwaj. I'm again with you with a new video called Do and Don'ts for ESE or CAE. दोस्तों ये वीडियो मेरे कल के कंटिन्यूएशन में है. कल मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी हाउ टू प्रिपेयर विद सेल्फ स्टडी, है ना, सेल्फ स्टडी टिप्स फॉर द ईएसई और गेट. और उसमें मैंने बताया कि आपकी सेल्फ स्टडी करते टाइम क्या क्या आपका तरीका रहना चाहिए, किस तरह आपको नोट्स बनाने हैं, किस तरह लास्ट में रिवीजन के लिए अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने उसमें बताया है. अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उसे देख लीजिएगा. दोस्तों आज के जो लेक्चर है डू और डोंट्स फॉर ईएसई और गेट के, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है. मैं आपको पहले दो स्टोरीज सुनाऊंगा, पहली स्टोरी सुनाऊंगा उसके आउटकम्स बताऊंगा, फिर दूसरी स्टोरी सुनाऊंगा दूसरे आउटकम्स बताऊंगा. दोस्तों बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी. एक बार एक छत्रपति शिवाजी ने अटैक किया मुगलों के इनिशियल स्टेज थी उनकी शुरू में, और उन्होंने छोटी सी सेना बनाई और अटैक कर दिया उसके सेंटर पे. उसमें बड़ी बुरी तरह हारे, और जब वो लौट रहे थे तो हार थक के उनका बुरा हाल था, एकदम मट्टी में लथपथ. और उसके बाद उन्हें भूख बहुत जबरदस्त लगी थी. वो गांव में जाते हैं, गांव में जाके वहां एक बुढ़िया मिलती है. उस बुढ़िया से बोलते हैं कि माई मुझे खाने के लिए दे दे. वो बुढ़िया अंदर जाती है, उनके लिए खाने के लिए वेलकम में उनके लिए एक खिचड़ी या भात बना के लाती है, उनके सामने आती है. भूख इतनी तेज थी अंदर से, इतनी जबरदस्त भूख थी, उन्होंने लिया थल को और जाके उसको सीधा सेंटर में हाथ मार दिया. रिजल्ट, हाथ जल गया. अब क्या हुआ, जब बुढ़िया ने ये सारी चीजें देखी तो उससे बोला, ए सिपाही, तेरी शक्ल देखने में छत्रपति शिवाजी जैसी लग रही है और तू उसकी तरह बेवकूफ भी लग रहा है मुझे. इसमें उसको बड़ा आश्चर्य हुआ. उन्होंने पूछा, माई इतना बड़ा शासक, इतना बहादुर, आपको बेवकूफ कैसे लग रहा है? बोली कि सिपाही, अगर तू सब्र के साथ खाता, थोड़ा थोड़ा साइड से खाता तो तू पूरा खा भी लेता, तेरी भूख भी शांत हो जाती और तेरे को कोई नुकसान भी नहीं होता. ठीक उसी तरह जैसे छत्रपति जी ने एक साथ मुगलों पे अटैक किया, और उस पे अटैक करने के बाद उन्होंने उसके सेंटर पे अटैक किया, ना कि पहले छोटी छोटी उनके किले जीते. तो उनका ये कहना था पहले थोड़ा थोड़ा करके करो, फिर जाके सेंटर पे डायरेक्ट अटैक करो. तो दोस्त इसी कहानी का आउटकम्स बताता हूं मैं. दोस्तों जब आप अपनी प्रिपरेशन करें तो डू का पहला पॉइंट यही है कि आप ग्रेजुअली स्टार्ट करें. मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 या 3 घंटे जितने भी सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसमें क्या करना है, आपको 2 या 3 घंटे किताब लेके बैठना है और उसको सिर्फ पढ़ना है. मतलब जैसे मैंने बताया था कैलकुलेटरी नोट्स पढ़ने, और फिर उसके बाद क्या है उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाना है. और धीरे धीरे बढ़ाना कैसे है, मान लो आज 2 घंटे पढ़े हैं तो कल क्या है, कल पढ़ना है तुम्हें, छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना है कोई भी दिन. और कल 2 घंटे चाहे 5 मिनट पढ़ो, चाहे 1 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ो, लेकिन कल हमें पढ़ना है दोस्तों. फिर उसके बाद क्या करना है, फिर नर्सों, मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली इसे इंक्रीज कर जाना है अप टू 8 to 10 hours तक पर डे. और इतना टाइम अगर आप पढ़ लोगे तो मैं चैलेंज करके कह सकता हूं कि आपका कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जो नहीं रुकेगा. तो डू का पहला पॉइंट यही है कि आपको स्टडी जब करनी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है. ऐसा नहीं है आप जाओ पहले दिन ही 10 घंटे डायरेक्ट पढ़ लो फिर उसके बिन अगले 2-3 दिन की छुट्टी. नहीं नहीं नहीं, 10 घंटे एक दिन पढ़ने से ज्यादा बेहतर है 3-3 घंटे 3 दिन पढ़ो, है ना. मतलब 10 घंटे एक दिन पढ़ के 2 दिन ब्रेक करने से अच्छा है 3-3 दिन एक एक दिन करो. इट इज बेटर इन कंपैरिजन टू ब्रेड, ठीक है ना. फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा है कि सबसे पहले, दूसरा डू का जो सबसे पहला पॉइंट है, जो आप सब्जेक्ट उठाओ. दोस्तों डायरेक्ट ऐसा सब्जेक्ट मत उठा लेना जो बिल्कुल आपकी समझ से बाहर है. फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई सब्जेक्ट है डायरेक्ट बड़ा है, मैंने मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में बोल दूं तो कम्युनिकेशन काफी बड़ा आता है क्योंकि उसमें एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, और अगर उसमें थोड़े भी साइड में ऐड कर दो सैटेलाइट और भी कई पार्ट आ जाते हैं. तो क्या है कि अगर मैंने शुरू में ही पहले ही मैंने अपना इतना स्ट्रांग सब्जेक्ट ले लिया है, वो क्या है कि लगभग 1-1.5 महीना ले लेगा खत्म होने में, तो अंदर से क्या है आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन चला जाएगा. तो शुरू में आप वो सब्जेक्ट उठाना जो आपके लिए इजी पड़े, जो खत्म हो सके, है ना, जो आसान सा सब्जेक्ट हो उससे आप शुरुआत करना, ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप शुरुआत करें तो एक इजी सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करें, है ना. इससे क्या होगा, जैसे ही एक सब्जेक्ट खत्म होगा तो आपके एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाएगा माइंड में कि एक सब्जेक्ट तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. कैसे खत्म करना है वो मैंने कल के लेक्चर में आपको बता दिया था. दूसरा पॉइंट दोस्तों जो मुझे आपको बताना है वो ये बताना है कि याद रखो, कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब कोचिंग कर रहे हैं तो कुछ लोग तो क्या है कोचिंग, मतलब कुछ की कैटेगरी ऐसी होती है लाइक में जो मतलब उन्हें जब तक खुद ना पढ़ लेना तब तक मजा नहीं आता चीजों का.
तो दोस्त अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप जाके वो कर सकें, लेकिन दोस्त फिर भी मैं ये बोलूंगा कि सेल्फ स्टडी आपको करनी ही करनी है। अल्टीमेटली फाइनली सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस चीज को दोस्तों दिमाग में रखना, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना कि कोई भी बंदा सक्सेसफुल रहा है, उसने कोचिंग की हो या नहीं की हो, ये ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है, उसने कोचिंग की भी होगी या नहीं भी की होगी सेल्फ स्टडी से हुआ, लेकिन हर बंदे ने सेल्फ स्टडी जरूर की होगी। तो कभी भी ये मत सोचना अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि यार वो मेरे से बेटर है, मतलब वो कोचिंग कर रहा है, मेरी की सिचुएशन ऐसी है मैं कोचिंग नहीं कर पा रहा हूं तो मेरा नहीं हो पा रहा है। तो दोस्त सेल्फ स्टडी मेरे हिसाब से बेस्ट है ना। जरूरी नहीं है कि कोचिंग में हर बैठने करने वाला बंदा सीखता ही है या करता ही है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टाइम पास करने के लिए मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं, है ना, जो मतलब अपने फेलियर की आड़ में छिपा लेते हैं कोचिंग की आड़ में उसे, ये अच्छा अच्छा लगता है ना फील, खाली बैठे से तो अच्छा, ये क्या कर रहा है कि कोचिंग कर रहा है ना, बेटर है। दोस्तों दूसरा है सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो है कि जब आप डूज में, मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब करें तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे, मेन नोट्स पकड़ के शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे और एक सब्जेक्ट का एक ही नोट्स बनना है, खिचड़ी ना पका लेना कि ये आपने मतलब नोटबुक में बनाना शुरू करे, इसी में कम्युनिकेशन के कर लिए, फिर दूसरी में नेटवर्क के कर लिए, फिर उसी में तीसरे सब्जेक्ट के, ऐसा खिचड़ी, सेपरेट नोट्स बनाना, ठीक है ना। तो ये करने की कोशिश करना दोस्तों। और उसके बाद क्या है, अपने जो है मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों ये इनिशियल है, इनिशियल चीजें हैं जो आपको समझनी है। अब दोस्तों अब मैं दूसरे पार्ट में बढ़ता हूँ साइकोलॉजी की तरफ। दोस्तों एक 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 मतलब साथी की है, नवीदिता परेरा परिदा करके है उड़ीसा से, उसके साथ मेरा डिस्कशन हो रहा था कि हम लोग फेल क्यों होते हैं। जनरली हम लोग जब 2 या 3 साल प्रिपरेशन कर लेते हैं क्यों हो जाते हैं, तो सी वॉज टेलिंग मी स्टोरी कि एक आईएएस ऑफिसर था सर 1980 के बैच का, बिहार से, तो मतलब सॉरी यूपी से ही था। तो वो क्या है, उस टाइम पे कोलकाता में होती थी कोचिंग, दिल्ली हब नहीं था उस टाइम पे, कोलकाता उसकी कोचिंग होती थी एएस की। तो उस टाइम पे क्या था, वो बंदा बहुत गरीब था, वो बोला नहीं भैया अपने फैमिली से बोलता है कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, फैमिली कैसे उसे एडजस्ट करके कलकत्ता भेजती है, वहां पे जाके पढ़ाई इतनी आसान थोड़ी ना है, वो फिर मतलब खाना चना वना खाना, घूमना दोस्तों के साथ, ये सब करना, एक साल रिजल्ट आया फेल हो गया घर आ गया, घर वालों को लगा कि भैया पढ़ के आया नहीं हुआ बंदे का। फिर उसके बाद दूसरी बार उसको वो बंदे को फिर वो जो बोलता है कि मुझे नहीं तैयारी करने के लिए जाना है, घर वाले बोलते हैं देख बेटा हमने जो पहला सारा अपनी जमाई जमा पूंजी थी वो सब तेरे को ऑलरेडी दे दी है, हमारे पास अब इतना पैसा नहीं है और भी लोग हैं, खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। बोला नहीं मुझे तैयारी करने के लिए जाना। फिर वही उसके बड़े भाई को लगता है कि नहीं अगर भाई कह रहा है तो हो सकता है तैयारी में आपकी थोड़ी सी कमी रहेगी। तो वो क्या करता है, वो अपने जो भी छोटा सा लैंड का पीस होता है उसको मतलब उसको मॉर्गेज करके मतलब देके और वो ले लेता है, उस पे ब्याज लेके उसको जो दे देता है, फिर वो जाता है। दूसरी साल भी उसका यही हाल रहता है कि मतलब घूमना करना, पढ़ाई अच्छे पढ़ाई के नाम पे टाइम पास करना सिंपल वे में, फिर वो वापस लौट के आते हैं। तो फिर उसके बाद वो तीसरी साल बोलता है कि नहीं 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 भैया मुझे तैयारी करनी है, तैयारी करनी है। अब तीसरी बार में यार बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, बोलेंगे आप क्या हमें बेचेगा क्या यार, ये तैयारी करनी है। फिर वो फाइनली उसको दे देते हैं, मतलब किसी तरह एडजस्ट करके वो चला जाता है। फिर उसका 1-2 महीने बाद वो शेड्यूल शुरू हो जाता है, शुरू में तो जोश रहता है, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा खत्म हो जाता है। तो फिर उसके बाद वो बंदा प्रिपरेशन शुरू करता है, मतलब क्या होता है कि एक दिन उसे खुद लगता है यार मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ। तो वो वापस जा रहा होता है डेली शेड्यूल के लिए, मतलब चने खा के भागने दौड़ने के लिए। तो फिर उसके उसको लगता है उसका बिस्तर उसे उठने नहीं दे रहा है, उसका अंदर से ही आवाज आई यार तू कर क्या रहा है फाइनली। और फाइनली वो प्रिपरेशन शुरू करता है, लगभग 6 महीने पहले ईएस की एग्जाम से प्रिपरेशन शुरू करते हैं वो। और फिर जब वो प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, मतलब 6 महीने के अंदर भी वो ईएस को बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर करते हैं, मतलब 6 महीने के एग्जाम प्रिपरेशन पीरियड में, और उस टाइम पे तो बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। वेल, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उसमें इस स्टोरी से मतलब मुझे क्या सीखने के लिए मिला या क्या वो समझाना चाह रही थी कि हर बंदे को पता है कि उसका क्यों नहीं हो रहा है, हर बंदे को वो प्रॉपर रीजंस पता है कि क्यों नहीं हो रहा है। कुछ जेन्युइन रीजंस हो सकते हैं, है ना, लेकिन कुछ अनजेन्युइन रीजन भी है इसके, है ना। तो वो जो है उसके जो है फ्रेंड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे इसमें आपको बतानी थी वो ये बतानी थी कि कुछ अनजेन्युइन रीजन ये हैं कि मतलब कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है आपके ऊपर जिसकी वजह से ना कर पा रहे हो, मतलब घर में आप बड़े हैं तो बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप ना कर पा रहे हो, या फिर आपके आसपास की सराउंडिंग इतनी नेगेटिव हो, है ना। मतलब आपको कुल मिला के अगर आपने सीरियसली प्रिपरेशन किया तो आपको पता होगा क्यों नहीं हो रहा है। आप बैठिए 5 मिनट अपने आपको, मतलब 1 घंटा यार अपना पूरा कैरियर के लिए, दुनिया के लिए इतना टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ वहां, तो अपने लिए नहीं कर सकते। आप बैठिए और एनालाइज कीजिए चीजों को कि आपका क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों, है ना। तो
दूसरी स्टोरी से ये है कि हर बंदे को पता है उसका क्यों नहीं हो रहा है, अगर वो उन कमियों पे वर्क आउट करेगा तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उनके कुछ मैं बता दे रहा हूं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है इसमें नो वर्ड को सीख लीजिए। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम में तो एक नो वर्ड है ना एकदम स्ट्रांग पावरफुल वेपन है आपका नो वर्ड। नो वर्ड मतलब क्या है कि आपको किन चीजों को मना करना है, किन चीजों को आपको डिकल्टर करना है। मतलब फूड फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं मूवी जाना है, आपका भी अंदर से मन कर रहा है लेकिन नहीं, आपका पढ़ाई का टाइम है तो यू शुड हैव टू बी स्टडी। समझ रहे हो ना? तो मतलब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको वो करना जरूरी है दोस्त। सॉरी तो सबसे पहले आप नो शब्द का कहें, मतलब आप स्पेशली नो वर्ड का बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप घर में रह रहे हो, जब आप घर में सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्योंकि घर में तो डेफिनेटली है आप पढ़ने बैठे हैं तो माँ को फर्क नहीं करता, अरे बेटा अभी 5 मिनट में वो बनेगा क्या, अभी सुबह से तो तू पढ़ नहीं रहा था, अभी पढ़ के तू 5 मिनट में पढ़ के वो बन जाएगा, जब मार्केट से जाके ये लिया है ना, या घर का ये काम कर दो वो काम कर दो, 50 काम बताएंगे दोस्तों है ना। तो सबसे पहले ना आप स्ट्रांगली बोलना सीखिए, नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी पढ़ने बैठा हूँ, मेरा पढ़ने का टाइम है, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मैं अभी 1-1.5 घंटे बाद उठूंगा, तब उसके बाद हो तो बताइएगा, ना हो तो कोई बात नहीं है, है ना, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा टाइम उन्हें बुरा लगेगा लेकिन 1-2-3-4-8-10 दिन बाद वो अडेप्टिव हो जाएंगे इस चीज के, वो समझने लगेंगे क्योंकि वो सही रास्ते पर है। दूसरा जो है कि आपने फ्रेंड सर्कल को डिकल्टर कीजिएगा, मतलब आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है उसको डिकल्टर कीजिए, फ्रेंड सर्कल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लोग मैंने जो बोलता है ना एक कि आप जो है ना आप किन 5 लोगों के कांटेक्ट में हैं उनका एवरेज है, जो यानी आपके जो सोर्स हैं जिनके भी आप 5 लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं उनका एवरेज होते हैं आप। तो हमेशा क्या कीजिए कि आप अपना जो लेवल है ना अपने फील्ड में हर लोगों से कीजिए, तो क्या होगा कि जो आपका एवरेज है वो ऊपर निकलेगा, ज्यादा आपको सीखने का मिलेगा, है ना फ्रेंड्स। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा, आप सोशल मीडिया से डिकल्टर हो जाइए, वेरी बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है कि आप सोशल मीडिया से डिकल्टर हो जाएंगे, तो मतलब जैसे फेसबुक व्हाट्सएप, लेकिन मैं इसमें बोलूंगा दोस्त क्या है कि आप नहीं एकदम हट सकते हैं तो क्या कीजिए, आप ना वो ग्रुप्स ज्वाइन कर, बहुत सारे वर्चुअल ग्रुप्स हैं, सर्च कर लीजिएगा ESE और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे करके आप उसको सर्च आउट कर लीजिएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे फ्रेंड्स तो आपको ना बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मतलब उनमें, तो उनको ग्रुप्स को ज्वाइन कर देगा तो क्या होगा जो आपके नोटिफिकेशन में वो अपीयर होने शुरू हो जाएंगे, तो आपको एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, मतलब आपको लगेगा यार सभी इतना पढ़ रहे हैं, अरे यार मेरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे फिर व्हाट्सएप पे कर लीजिए, बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए, है ना, अपने सर्च कीजिए, है ना, ढूंढोगे तो सारी चीजें मिलेंगी, बहुत अवेलेबल है, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, आप वो जो है ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिएगा, तो क्या होगा जब आपके पास नोटिफिकेशन आ रही होंगी तो उस समय पे आप जो है उनको देख के मोटिवेट होंगे, मतलब आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आपको पता चलेगा कि देखो बाकी के लोग कितना कर रहे हैं, आपका नहीं हो पा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक सबसे बड़ी चीज जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है यूथ एज में हम लोगों के, अक्सर ये हमारी एज कैरियर की भी है और बाकी सारे फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी रोल में आ जाते हैं, तो ये है सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है ये भी एक अपने आप में है, रिलेशनशिप वगैरह ये सब भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अच्छा खासा डिस्ट्रैक्शन सोर्स है। मतलब कितना ही समझदार इंसान है वो पता है वो गलत कर रहा है लेकिन ये काम करेगा, वो डेफिनेटली करेगा। तो सबसे पहले ये जो नो वर्ड का है ना यहाँ पे, यार यहाँ पे लगा दीजिए, आप बोल दीजिए आप पढ़ रहे हैं उस टाइम पे, मतलब आपका जो है जो भी आपका दोस्त है, मतलब जो भी आपके रिलेशन में हिम और हर जो भी हो, तो उससे आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि नहीं यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई कैन टॉक इन दैट पीरियड, उसे थोड़ा सा बुरा लगेगा, और रियल में ही अगर आपके साथ आपको कॉपरेट करेगा तो वो उसे अच्छा लगेगा कि ठीक है यार हम मेरे सेक्रीफाइस से थोड़ा सामने वाला बंदा पढ़ तो रहा है ना, वो तुम्हें मतलब उसे बुरा लगेगा नो डाउट, लेकिन वो तुम्हें थोड़ा शो ऑफ करेगा, नहीं नहीं ठीक है ये सब ठीक हो रहा है, लेकिन आप अगर सही हो अपनी जगह तो कुछ चीजें एकदम सही हो जाएंगी। अगर आप उसे सब बस ऐसा ही अट्रैक्शन है, आपको नहीं समझ पा रहा है वो आपकी कैरियर, आपका कैरियर इंपॉर्टेंट है ही नहीं उसकी नजरों में, तो डेफिनेटली आपके लिए वो फिट है ही नहीं बंदा, क्योंकि आप क्या है अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूँ गेट ESE यानी एक अच्छी जगह जाने की तैयारी कर रहे हो, एक अच्छे एनवायरमेंट में जाने की तैयारी कर रहे हो, और वो क्या चीज है वो आपको खींच खींच के वापस वहीं लेके आ रही है ना। तो आपको सबसे पहले इन चीजों को निकालना पड़ेगा, आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं डायरेक्टली नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं किसी रिलेशनशिप के अगेंस्ट में नहीं हूं, पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको रिलेशनशिप को बाउंड करने का टाइम है, आपको बांधना पड़ेगा, और स्पेशली जब लास्ट मंथ होता है ना, प्रेशर इतना ज्यादा होता है ना, तो उसमें देखा होगा कि जितनी प्यार मोहब्बत वगैरह ये सारी चीजें ना पेपरों के टाइम में ज्यादा होती है,
मतलब बुरा मत मानना, मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ज्यादा हो जाता है। रीजन क्या होता है, प्रेशर इतना होता है कि हमें उसे रिलीज करने के लिए कोई ना कोई मिल जाए। अच्छा अरे यार मेरा तो इस बार होने, क्योंकि हम गिवअप कर चुके हैं अंदर ही अंदर, साइड में दूसरा बंदा मिला, अच्छा अच्छा आप भी ऐसे, वो भी एक तो अपोजिट जेनरेटिव अट्रैक्शन, अच्छा उसके दो चार मिनट उसने ऐसे करके साफ कूड़ा कर देना है, मतलब जो थोड़ा घना आता होगा वो भी पूरा बर्बाद कर देना है आप लोगों को, यानी हम लोगों को कुल मिला के जो भी इसके शिकार बनते हैं। तो इसको पर्सनली मत लेना, मेरा मानना है कि जो नो वर्ड है ना इसको बहुत स्ट्रांगली रिलेशनशिप में लाके रखना, ये तो मान के चलो यार दोनों चीजों को ना मतलब बैलेंस नहीं कर, दोनों ही जलती हुई आ गए, एक प्रिपरेशन कर रहे हो और एक पे आपकी रिलेशनशिप है, दोनों को मेंटेन करना वाकई डिफिकल्ट है दोस्त, तो ये भी मान लीजिए दोस्त। और एक जो सबसे बड़ी चीज जो मैं इसमें बोलना चाहूंगा दोस्त आप लोगों से, वो ये बोलना चाहूंगा कि हर चीज की ना दुनिया में कीमत है। तो आपको जितना ऊंची चीज चाहिए, जितना आपको मतलब अचीवमेंट्स चाहिए अपने लाइफ में, आपको उतने ज्यादा सेक्रीफाइस करना होगा। तो आप मान के चलो अगर कोई चीज जा रही है, मान लो आपका मतलब रिलेशनशिप आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड छोड़ के जा रहा है कि ठीक है आप मेरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप स्पेंड नहीं कर रहे हो, या आप मेरी एक्सपेक्टेशन पे फिलअप नहीं हो पा रहे हो, मैं जा रही हूँ, ठीक है आप जाइए, है ना। मतलब ये मान के चलिए कि आपको एक कॉस्ट पे करनी हो रही है, और अगर आप देख लो अगर आपको लग रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो नहीं है, अल्टीमेटली आपको बाद में कल आ जाएगी, अभी आए ना आए थोड़े टाइम बाद जरूर ये समझ आ जाएगा कि कैरियर कितना इंपॉर्टेंट होता है। बिना कैरियर के कुछ नहीं होता, बाकी सब साइड में चलते बनते हैं, ठीक है ना। वो जब तक ही आप लोगों के साथ है जब तक आपके लेवल पे, जैसे ही ऊपर नीचे हो गए वो तुरंत अपने साइड वाले बराबर वाले को ढूंढना शुरू कर लेगा, है ना। आप ऊपर जाओगे तो आप अपने बराबर वाले को, वो ऊपर जाएगा तो वो अपने बराबर, और कहीं ना कहीं टूटेंगी चीजें, है ना। बिल्कुल एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, आप इसे गलत वे में मत लीजिएगा। तो दूसरी चीज जो मैं बोल रहा हूँ इसको याद रखना, इस दुनिया में जो भी जितनी बड़ी चीज चाहिए आपको उतना बड़ी कॉस्ट पे करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर बंदे को सक्सेसफुल होना चाहता है लेकिन पे नहीं करता है, जब तक आप पे नहीं करोगे तब तक कैसे कोई चीज आपको इतनी अच्छी मिल जाएगी, आप समझ रहे हैं ना। आपने ये पूरी वीडियो देखी इतने पेशेंस के साथ, मैं समझ सकता हूँ इतनी लंबी खिंच गई है अभी तक आपने देखी है ना, तो डेफिनेटली आप कुछ मतलब सीखने को आपको जब मिलेगा अंदर से आपकी जिज्ञासा हो सीखने की उस चीज को, तो ये समझिएगा दोस्त। बाकी की जो और बाकी की इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको डॉट में बताना चाहूंगा वो ये बताना चाहूंगा यार, एनपीटीएल की वीडियोस को मत फॉलो कीजिएगा, मेरे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज इसको ऑथराइज मत कीजिएगा, ऑथेंटिकेट मत कीजिएगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे खुद की ओपिनियन है, है ना, इसका किसी भी चीज से लेना देना नहीं, अपने रिस्क पे इंप्लीमेंट कीजिएगा। तो एनपीटीएल की वीडियोज मत देखिएगा, टाइम कंज्यूमिंग है, इतना आउटपुट है नहीं दोस्तों, है ना। अब आपको बहुत ज्यादा जो ध्यान रखना है आपको आउटपुट पे ध्यान रखना है, कम से कम पढ़ के कितने ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकल सकते हैं, यानी एफिशिएंसी ओवरऑल मैटर करती है, वो एनपीटीएल की वीडियोस में नहीं है, मैंने खुद किया है जो मुझे खुद सीखने को मिला है। उसके अलावा बहुत सारे रिसोर्सेस हैं उस पर, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, वो देखिएगा, है ना फ्रेंड्स। दूसरा क्या है, आप ऐसा ना है कि मतलब क्या है कि कुछ ना स्टैंडर्ड बुक का ही पूरा तामझाम इकट्ठा करते रहते हैं, स्टैंडर्ड बुक अच्छा ये मटेरियल कलेक्ट मैंने बता दिया कि इसके लिए अच्छा आप टॉप एंड सीलिंग ले लो, किसी ने बता दिया कम्युनिकेशन के लिए बीपी लाठी ले लो, मतलब वो सामान्य कलेक्ट करते रहते हैं, वो किस लिए, क्योंकि अरे यार मैंने वो टॉपर है वो तो बीपी लाठी से पढ़ा था, भाई तू अपने को देखना, हमें उसको क्या देखना कि टॉपर क्या करता है, वो चीज हमें करनी है जो हमारे पे इम्प्लीमेंट होती हो, समझ रहे हो ना। तो मतलब ये नहीं है कि आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ के बने, स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन बना सकते हो जब आप पे टाइम हो, आप ईएससी के ऑब्जेक्टिव कर चुके हो, गेट के ऑब्जेक्टिव कर चुके हो, ईएससी के प्रीवियस ईयर कन्वेंशनल कर चुके हो, टेस्ट सीरीज आपके पास टाइम हो इन बिटवीन, तब आप जाके वो बना सकते हो, हालांकि इतना टाइम है नहीं दोस्तों, होता नहीं है जेन्युइनली। तो आप अगर उस बीच है तो स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन बना सकते हो, वो भी सारे नहीं बना पाएंगे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अवॉइड कीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि भाई वो, क्योंकि मैंने कल आपको वैसे समझा दिया है ये चीज कि क्या कोचिंग का फायदा होता है, और अगर हम कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो आप उसको कल के लेक्चर को भी देख लीजिएगा। दूसरी चीज यार, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ के जाइएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने चार सब्जेक्ट कर लिए हैं बहुत अच्छे कर लिए हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप चार सब्जेक्ट के 100% बना दोगे, दो चार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनमें हम स्टक हो जाते हैं, कितना इंटेलिजेंट इंसान हो, ठीक है। तो आपको भी यही चीज समझनी है दोस्तों कि कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों ये मेरी आज के लेक्चर यहीं पे मैं अपना खत्म करता हूँ, होप अगर आप लोग इनको पॉइंट वाइज नोट करोगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, कहीं ना कहीं आप भी इन्हीं चीजों में अटके हुए होंगे जो मैं बता रहा हूं, प्लीज मत करना दोस्तों। अच्छा इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है ना, और हम लोगों की इतनी उम्र नहीं है कि हम सारी गलतियां खुद ही करके सीखें, अगर मैंने गलतियां की हैं तो आप मेरी गलतियों से सीख लीजिए अगर मैं बता रहा हूं दोस्तों। दूसरा, अब
टाइम हो गया इम्प्रूवमेंट का, धीरे धीरे कीजिएगा। मैंने बताया कोई भी अब्रप्ट मत कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आज एकदम जोश में आ गए आप लोग और जोश में कि आज मम्मी मैं ये नहीं करूंगा, पापा मैं आज ये नहीं करूंगा, आज से ये बंद वो बंद, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा मत करना, धीरे धीरे करना। आप धीरे धीरे पढ़ाई बढ़ाते चले जाओगे, पढ़ाई में एंगेज होते चले जाओगे, बाकी लोग समझते चले जाएंगे। उनको रिप्लाई नहीं करना है, बोल के कुछ नहीं करना है, चुपचाप नहीं करना है जो करना है, ठीक है ना, करते जाना है वो, है ना। तो इसी के साथ, अगर दोस्त आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्त, हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ गलती हो गई हो या कुछ गलत बात बोल दिया उसके लिए हार्टली सॉरी, अगर कुछ बुरा लग गया हो आपको, क्योंकि मैंने सारी प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं और स्पेशली जो है, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ और एक्स्ट्रा चीज ऐड हो सकती थी तो प्लीज कमेंट सेशन में जरूर लिखिएगा। और थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और थैंक यू। वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स, प्रीलिम्स वन के पेपर्स की मैं जल्दी शुरुआत करूंगा। अभी मैं गैजेट्स को अपडेट करने के चक्कर में लगा हुआ हूं, तो जल्दी मैं आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा जो प्रीलिम्स ESE 1 के हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, एंजॉय कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, बाय।